सवा सौ करोड़ देशवासियों की मोक्षदायिनी माँ गंगा का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। कानपुर शहर की गंगा नदी में गिर रहे गंदे नाले गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। आइए आपको इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं नमामि गंगे योजना की जमीनी हकीकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा अभियान चलाकर गंगा को स्वच्छ रखने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कानपुर के गंगा बैराज पर गिर रहे गंदे नाले प्रधानमंत्री के दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ गंगा योजना कानपुर में धरातल पर उतरने के बजाय कलंकित हो रही है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगा को अपनी मां मानते हैं। चलिए हम आपको बता दें कि कानपुर में गंगा नदी दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। दरअसल यहां नदी में गिर रहे गंदे नाले गंगा की गोद को छलनी करते जा रहे हैं। शहरों के चारों ओर से गुजरकर गंगा नदी में गिरने वाले नाले गंगा नदी को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ गंगा नदी की स्थिति भयावह बनी हुई है। गंगा के किनारे कूड़े का ढेर तो आम बात है, यह दृश्य गंगा के बिगड़ते हालात को बयां करता है। ऐसे में 2019 कुंभ तक गंगा को निर्मल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। गंगा का प्रदूषण सफाई करने से नहीं, नालों का सही इलाज करने से रुकेगा। यहाँ बह रहे नालों से किसानों के खेतों का भी कटान हो रहा है, जिसके कारण किसानों का भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो पानी गिर रहा है, नाला है, गंदा नाला है, इससे हमारा खेत कटा जा रहा है। कोई आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। ये नाला कहाँ से आता है? ये नाला करीबन मंदना नरामो से जुड़ा हुआ है। इड्डी काले से डेबी से मतलब जेबी निकला हुआ है, और ये पुराने मतलब पुराना कानपुर से ये नाला सब ज्वाइंडिंग है, तीन नाले हैं। ये प्रदूषण के संबंध में प्लान तो बहुत बने और मुझे लगता है भाजपा सरकार काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्लो है इसमें। अभी जो नाले हैं अभी वो पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, और मैं ये देखता हूँ कि उसके गंगा नदी के किनारे बराबर गंदगी है। अभी वहाँ पे सफाई अभियान पूरी तरह सफल नहीं है। इसमें शासन प्रशासन और यहाँ के महापौर, इन सबको बहुत ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए, और इसमें जितना अधिक से अधिक रुचि लेंगे, जितना समय देंगे, और मीटिंग सिर्फ करने से नहीं होगा, इसमें कम से कम कंप्लायंस उसकी हो तभी संभव है। कानपुर में जो गंगा की स्थित है वो शायद प्रदूषण की शुरुआत होती है यहाँ पर, और उसका सबसे बड़ा कारण है वो सीवेज जो नाले हैं उनका गंगा में गिरना। और ये लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि यहाँ से बंद किए जाएं, लेकिन शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई ना होना निश्चित तौर पर गंगा के जल को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है, जिससे गंगा के आसपास के जो गाँव हैं शहर हैं वो प्रदूषित जल को पीने के लिए बाध्य है। इसमें जो आप मुझे बात बताई है उसका आप संज्ञान लेते हैं, और आज शाम को 3 बजे हमने सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, उसमें खूबसूरत नियंत्रण अधिकारी को और नगर आयुक्त साहब और लोग यहाँ पर रहेंगे, तो उसका क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है अभी तात्कालिक रूप में और लॉन्ग टर्म रूप में, उसको उस पर विचार किया जाएगा, उसको फिर अमल में लेके आएंगे। देखने वाली बात ये होगी प्रशासन इन नालों पर कब रोक लगा पाएगा और गंगा पूरी तरह से कब स्वच्छ और निर्मल हो पाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि गंगा की गोद छलनी करने वाले इन नालों को प्रशासन किस तरह से रोक पाता है। कानपुर से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ विशाल तिवारी की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।